नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट पर सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट पर सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की, और दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक का चयन किया है, सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में मेरी आपसे ये पांचवी मुलाकात है और आज के इस वीडियो में हम सामाजिक प्रक्रिया का जो सहयोगात्मक पक्ष है उसमें सहयोग के उपरांत जो दूसरी महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है, व्यवस्थापन, समायोजन, अकोमोडेशन, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। व्यवस्थापन या समायोजन भी सहयोगी प्रक्रिया है। यह संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। जब भी दो विरोधी पक्ष प्रतिस्पर्धा या संघर्ष समाप्त करके सहयोग करना चाहते हैं तो पहले वे एक दूसरे से व्यवस्थापन स्थापित करते हैं। व्यक्ति या समूह निरंतर प्रतिस्पर्धा या संघर्ष नहीं कर सकते। प्रतिस्पर्धा व संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए जो समझौता किया जाता है उसे ही व्यवस्थापन कहते हैं। संघर्षरत व्यक्ति या समूह कभी तो स्वयं ही परस्पर व्यवस्थापन कर लेते हैं, कभी किसी माध्यम की सहायता से। व्यवस्थापन हो जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि व्यवस्थापन करने वाले आगे कभी संघर्ष नहीं करेंगे और वे सदैव सहयोग की ओर ही बढ़ेंगे। व्यवस्थापन में संघर्ष के बीच मौजूद रहते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापन संघर्ष को कुछ समय के लिए टालने की स्थिति भी है। इसलिए ही जॉन्स लिखते हैं, एक अर्थ में व्यवस्थापन असहमत रहने के लिए समझौता कहा जा सकता है। समनर इसे विरोधी सहयोग की संज्ञा देते हैं। किंतु व्यवस्थापन का उद्देश्य नकारात्मक ही नहीं होता, वरन यह इस बात का भी सूचक है कि संघर्षकारी समूह अब शांति में रहना चाहते हैं। इनमें दोनों पक्षों में लेन देन होता है और प्रत्येक पक्ष अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। प्रजातीय और धार्मिक संघर्षों को कम करने या समाप्त करने की दृष्टि से भी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापन संघर्षकारी समूहों में संतुलन कायम करने की एक व्यवस्था भी है। व्यवस्थापन में दोनों पक्षों में सहिष्णुता पैदा हो जाती है और वे अपनी सच्ची और न्यायपूर्ण मांगों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। व्यवस्थापन संघर्षकारियों को सहयोग एवं निर्माण की ओर अग्रसर करता है तथा उन्हें पूर्ण विनाश से भी रोकता है। प्रजातंत्र में कई विरोधी दल कभी कभी साझी की सरकार बनाते हैं, जो व्यवस्थापन का ही एक उदाहरण है। अगर अब हम व्यवस्थापन विभिन्न विद्वानों के विचारों को देखें, समझें, तो रूटर और हार्ट व्यवस्थापन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थापन प्रयत्नों का वह अनुक्रम है जिसके द्वारा मनुष्य परिवर्तित अवस्थाओं द्वारा आवश्यक बनाई गई आदतों एवं मनोवृत्तियों का निर्माण करके जीवन की परिवर्तित अवस्थाओं में एकता स्थापित करता है। ऑकबर्न और निमकॉफ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं, व्यवस्थापन वह शब्द है जिसका प्रयोग समाजशास्त्री आक्रामक व्यक्तियों या समूह द्वारा किए जाने वाले सामंजस्य के लिए करते हैं। बगाडस
शलाजी में कहते हैं, व्यवस्थापन मित्रतापूर्ण आदान प्रदान की प्रक्रिया है जिसमें सहिष्णुता पंच निर्णय एवं समझौते के द्वारा चेतन रूप से सामंजस्य किया जाता है। फीचर कहते हैं व्यवस्थापन को परिभाषित करते हुए, व्यवस्थापन सामाजिक प्रक्रिया के उस स्वरूप के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति या समूह संघर्ष को रोकने, कम करने या समाप्त करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं। और अंतिम विचार के रूप में हम बात कर सकते हैं ग्लीन एंड ग्लीन। ग्लीन और ग्लीन समायोजन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समायोजन या व्यवस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतियोगी एवं संघर्षरत व्यक्ति एवं समूह प्रतिस्पर्धा, विरोध या संघर्ष के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ अपने संबंधों का सामंजस्य कर लेते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विद्वानों द्वारा दिए गए विचारों से स्पष्ट है कि व्यवस्थापन संघर्ष सहयोग की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न है। इसमें संघर्षरत व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाने और परस्पर सहयोग करने लगते हैं। व्यवस्थापन एक प्रक्रिया तथा अवस्था दोनों ही है। एक प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थापन में व्यक्ति या समूह परस्पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए, एक नवविवाहित वधू ससुराल में आकर वहां के वातावरण से धीरे धीरे सामंजस्य करती है। इसी प्रकार गांव से आकर शहर में पढ़ने वाले छात्र भी शहरी वातावरण के साथ अपना सामंजस्य करके व्यवस्थापन करते हैं। व्यवस्थापन एक अवस्था भी है। अवस्था के रूप में इसे परिभाषित करते हुए रूटर और हार्ट लिखते हैं कि एक अवस्था के रूप में व्यवस्थापन संबंधों की एक व्यवस्था है जो समूहों में व्यक्ति की स्थिति या संपूर्ण सामाजिक संगठन या समूह की स्थिति को परिभाषित करती है। इसे मानना या स्वीकार करना ही व्यवस्थापन है। इस प्रकार अवस्था के रूप में व्यवस्थापन में एक व्यक्ति या समूह को समाज में जो स्थिति प्रदान की जाती है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। उदाहरण के रूप में, हिंदू जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति एवं व्यक्ति एक निश्चित स्थिति है जिसे जाति एवं व्यक्ति स्वीकार करते हैं तथा उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा व्यवस्थापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन। ग्लीन और ग्लीन ने दो प्रकार के व्यवस्थापन या समायोजन के प्रकार बताए। पहला समन्वयात्मक व्यवस्थापन, दूसरा अधिष्ठपदीय एवं अधीनस्थ व्यवस्थापन। पहला समन्वयात्मक व्यवस्थापन, यह समान पक्षों के बीच होता है। दो समान शक्ति वाले व्यक्ति, समूह या राष्ट्र संघर्ष को टालने के लिए जो समझौता करते हैं उसे समन्वयात्मक व्यवस्थापन कहते हैं। इस प्रकार के व्यवस्थापन में दोनों पक्ष परस्पर लेन देन करते हैं। इस प्रकार का व्यवस्थापन परिवारों के सदस्य, दो व्यापारियों, दो राष्ट्रों के बीच देखा जा सकता है। इस व्यवस्थापन में दोनों ही पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ रियायतें करते हैं, त्याग करते हैं। पति पत्नी में संघर्ष के बाद व्यवस्थापन होता है जिसका उद्देश्य परिवार को विघटन से बचाना है। ये व्यवस्थापन कभी कभी तीसरे पक्ष की सहायता से भी किया जाता है, जैसे पति पत्नी जब परस्पर समझौता नहीं कर पाते तो न्यायालय अथवा विवाह सलाहकार का सहयोग लिया जाता है। दूसरा है अधीनस्थ व्यवस्थापन। यह व्यवस्थापन उन पक्षों के बीच होता है जिनमें एक पक्ष शक्तिशाली एवं दूसरा कमजोर है। उदाहरण के लिए, युद्ध में शक्तिशाली राष्ट्र की विजय होने के बाद वह हारे हुए राष्ट्र पर अपनी शर्तें थोपता है और हारे हुए राष्ट्र को मजबूरन उन्हें मानना पड़ता है, अन्यथा उसके नष्ट होने का डर बना रहता है। इसी प्रकार से छोटे व्यापारिक
संस्थानों को कई बार बड़े व्यापारिक संस्थान हैं, फर्मों की शर्तों के अनुसार व्यापारिक समझौते करने पड़ते हैं। व्यवस्थापन में कमजोर पक्ष अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करता है, जिससे कि भविष्य में वह शक्ति परीक्षण कर सके। अब कल मैं आपसे बात करूंगा व्यवस्थापन के कुछ अन्य पक्षों की। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरा आपसे यही सुझाव सलाह मशवरा रहता है, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा के लिए कमेंट्स करें, इनबॉक्स में कर सकते हैं आप, जैसा भी उचित समझें। मित्रों, अभी कोरोना गया नहीं है, हमें सरकार की गाइडलाइंस की कठोरता से अनुपालना करनी है, साथ ही स्वयं को अध्ययन अध्यापन में भी संलग्न रखना है। एक सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए यह भी बहुत ही परम आवश्यक है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, आपके परिवारजन मित्रजन सब स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।